अभी झाटू जिंदगी से क्या फील करना चाहते हैं? वो देखो एक रड़वा भोसड़ी का वो हेलो हेलो करता रहता दिन भर। हमें भी बता दो बहन चुत क्या हो गया। छोटे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो अपने घर में रहें और साइकिल आइकिल जो पिंचर पड़ी थी उसको जोड़ लें दोबारा से, पिंचर उन्चर जुड़वा लें, तिलियालियां कसवा लें और आने वाले समय में साइकिलों का दौर फिर से आने वाला है और चप्पलों में बद्दियां डलवा लें, जूते खरीदने की आपकी औकात नहीं रहेगी। और आप अगर उत्तराखंड में रहते हैं तो अपने भैया पानी का बिल और लाइट का बिल अगले महीने से बड़ा हुआ आएगा, तो उसके लिए भी सचेत रहें। जो आप सोच रहे थे और आपने जब वो सब्जी छोंकने का, जब पानी से सब्जी छोंकने का नया तरीका इजाद किया है, वो उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? उसके बारे में तो हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा है, तेल देखो इतना महंगा हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, आप इंडक्शन भी नहीं ले सकते, उसमें बिजली का बिल इतना बड़ा वो महंगा आने लगा है, तो आप ऐसा करिए भाई जंगल दिखाइए, जंगलों में लकड़ियां दिखाइए। अरे देखिए तो ये लकड़ियां आप ले जाए अपने घर और चूल्हे पे जैसे कि पुराने जमाने में खाना बनता था, आप वैसे उस तरह का खाना बनाइए जिससे आपके समस्त प्रकार से पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसा बचा के भी तो कुछ मत। तो इस लकड़ी के जलाने से पॉल्यूशन होगा तो उसका मोदी जी क्या करेंगे? इतना पॉल्यूशन कर रही है, इनका पॉल्यूशन नहीं दिख रहा है? अब पहले जमाने में क्या होता था, कौन सी गैस थी, कौन सा इंडक्शन थे, कौन से? अरे आप सर आप अगर पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? अरे यार ये पेड़ हम काट को ना रहे, देखो पहले कटे पड़े हैं, ये लोकल पेड़ों की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, क्या इसकी गाड़ी में अभी एसी ऑन नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महंगाई कितनी हो जाए इसका तो भत्ता बढ़ जाएगा। बेरोजगार लौंडों का पूछो, बेरोजगार लौंडों का कौन सा भत्ता बढ़ रहा है हमारा?